हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आधार क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम है लिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। इस तरीके से लिंग आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर 100% एक ना एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है। अगर 30 क्वेश्चन है तो मिनिमम इससे दो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन है तब भी इससे दो ही क्वेश्चन बनेंगे, मिनिमम दो क्वेश्चन पूछेगा स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लिंग है क्या, लिंग आपको क्या है, इसमें पहचान करनी होती है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उदाहरण मैंने ले लिया है माता पिता यमुना शेर शेरनी, ठीक है, आपको इसमें देखना है। जैसे कि इसने माता है क्या है स्त्रीलिंग, पिता है पुल्लिंग, यमुना है स्त्रीलिंग, शेर है पुल्लिंग, शेरनी है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना होता है इसमें पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। इसमें क्वेश्चन बच्चों के बहुत ही ज़्यादातर 90% गलत हो जाते हैं। आपको याद रखना, मैं इसमें सिर्फ बताऊंगा एक ट्रिक ऐसी जो आपको सभी में फॉलो करनी है, बहुत ही आसान ये ट्रिक है। तो जल्द से जल्द आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। और जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को। लिंग की बात कर रहे हैं, लिंग होते कितने टाइप्स के हैं आपको याद रखना है। हिंदी में लिंग सिर्फ दो ही प्रकार के होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पे तीन नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे उभयलिंग होते हैं ना, वो हाई स्कूल की बात थी, तो आपको ये नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपको दो याद रखने हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग का मतलब जिसमें मेल आएगा, यानी मेल से रिलेटिव, जैसे पिता, भाई, शिव, हनुमान, लड़का, बैल, ठीक है। अब स्त्रीलिंग की बात करें तो जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसमें जो है स्त्रीलिंग को बनेगा कैसे। देखो, स्त्रीलिंग इस तरीके से बनते हैं, कुछ हमारे प्रत्यय जुड़ जाते हैं, जैसे बाद में ई जुड़ गया, इनी जुड़ गया, इन जुड़ गया, नी जुड़ गया। अगर हमारा जैसे कहाँ बड़ा है तो क्या हो गया, बड़ी, क्या बन गया इससे, पुल्लिंग बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। जैसे कमल का क्या हो गया, कमलिनी, या क्या बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे चोर का चोरनी क्या बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो ये होते हैं हमारे पुल्लिंग से, अगर स्त्रीलिंग बनाने के लिए आए आप लोगों के लिए, तो कुछ हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, बाद में इन प्रत्यय से बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी PDF आपको डाउनलोड करने के लिए इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको टेंशन मत लेना आने के, सर तो छोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 100% इससे क्वेश्चन फंसता, ये 5-6 चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है। कवि का कवित्री होता है, विद्वान का विदुषी होगा, नेता का नेत्री होगा, महान का महती होगा, और साधु का साध्वी होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो, हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख दिया है कि पुल्लिंग यहाँ पे है और स्त्रीलिंग यहाँ पे है, पुल्लिंग यहाँ पे, स्त्रीलिंग यहाँ पे। जैसे धोबी का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, धोबिन। अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, अध्यापिका, ठीक है। अब मोर का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, मोरनी। शेर का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, शेरनी, ठीक है। ऐसी बेटा का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, बेटी। डिब्बे का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, डिबिया। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना, बट अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब आप इसको पहचानोगे कैसे, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया सड़क, तो आपको बताना है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सड़क जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सबसे बेहतरीन आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। आप इसको नोट कर लो मेरी इस चीज़ को, जरा सी जो लिखा है मैंने, ये ट्रिक है भाई, ट्रिक जिसको बोलता है ना ट्रिक। आपको पता है मैं हिंदी की डेली ट्रिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, डेली ही ट्रिक आएगी आप लोगों के लिए। वाक्य में प्रयोग करना है कैसे, ये सड़क चलती है,
अब ये सड़क चलता है। अब एक बात बताओ मुझे, ये सड़क चलती है लिखा हमने, एक तरफ लिखा हमने ये सड़क चलता है, तो अब आप मेरे को ये बताओ ये सड़क चलती है या चलता है? तो आंसर क्या आया? चलती है, चलती है। तो ये क्या आ गया भैया? ये आ गया स्त्रीलिंग। क्या आ गया? ये स्त्रीलिंग। क्या बन गया? ये स्त्रीलिंग। तो हमने पहचान लिया सड़क क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसी मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, दूध। दूध बताना है आपको क्या है। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, जल्दी आंसर दो इसका। बहुत सही जवाब, आपका आंसर आया है पुल्लिंग। बिल्कुल सही जवाब है आपका पुल्लिंग। देखो अब हम कैसे पहचानोगे इसको, दूध पी लिया, और दूध पी ली। अगर मैंने कहा आपसे मैंने दूध पी लिया या मैंने दूध पी ली, तो भाई दूध पी ले तो कभी तो आपने सुना है क्या कभी कि दूध पी ली, गलत हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ गया? दूध पी लिया। तो क्या आ गया? या। तो ये क्या बन गया भाई? पुल्लिंग। तो आई होप कि ये मेरी आपको जो ट्रिक बताई है मैंने, ये वाक्य में प्रयोग करने वाली आप लोगों को लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, आप लोगों के लिए समझ में भी आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे आप कमेंट तो ज़रूर करिएगा और मेरी हेल्प ज़रूर करिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, और बच्चों से सब्सक्राइब भी चैनल करवाओ, ठीक है। अब एक और लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बादल। जल्दी से जल्दी आंसर दो बादल का। बादल पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। बिल्कुल सही जवाब, आपने आंसर दिया है इसका पुल्लिंग, बिल्कुल सही है। अब देखो, बादल छा गए, बादल छा गए, या बादल छा गए गई। आंसर क्या है आपका? बादल छा गए या बादल छा गई? तो शुरू वाला सही आएगा ना, बादल छा गए। तो क्या है ये? ये क्या हो गया? पोल्डिंग। तो आई होप कि भी आपको वीडियो पसंद आई हो। अब मिलते हैं हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।